आज हम कटहल की सब्जी बना रहे हैं। हमने पहले कटहल बॉईल किए हैं, ये हमारे कटहल बॉईल है। हमने इसमें नमक और हल्दी डालकर इसको बॉईल किया था। अब इसके अंदर की ग्रेवी के लिए हमने 4 प्याज लिए है, ये कुछ हरी मिर्च है, हमारे घर में लाल मिर्च नहीं खाते तो हम हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये 3 टमाटर लिए हैं। अगर आपको टमाटर मतलब ज़्यादा खट्टापन करना हो तो आप टमाटर और भी ले सकते हैं। अब हम पहले प्याज को काट के इसको ग्राइंडर करेंगे एकदम बारीक। प्याज बड़े सेक्सी लग रहे हैं। काटती कितनी सही है, ये तो 8 कट जाए। सवास सवास। और हम जो हमने हरी मिर्च लिया वो भी हम इसी में डाल देंगे, ऐसी खड़ी खड़ी डाल देंगे। अब हम इसको पीसेंगे। सेक्सी एकदम चूर चूर हो गया। इसमें प्याज कहाँ है, मिर्च कहाँ है, समझ ही नहीं आया। कमाल है। ये आप एक ग्लास में लेके पी लें तो मजा ही आ जाएगा। मसाला समाला। ये प्याज और मिर्ची की ग्रेवी, ग्रेवी देख लो, ग्रेवी जूम करके दे दूं। एक चम्मच का बोगला ऐसी होनी चाहिए, इतनी थी। ओके, अब हम इसी सेम पे हम टमाटर पीस लेंगे। इनको ही पीसना है अब। ओहो, गंजा कर दिया काट काट के। मस्त काटती है सियानी, बेहतरीन एकदम, निश्चिंत आग कटेगा ही नहीं। चक्कू का नंबर दिखाइए, ये चक्कू खरीद लेना। स्टेनलेस स्टील लेगा नंबर। इससे क्या होता है, ये हमने अपने टमाटर की प्योरी एकदम ऐसे पीस लिया खड़े। मतलब हम कुछ मसाले जो यूज करेंगे वो ये है, ये कुछ खड़े मसाले लिए हमने, ये आपको दिखाने के लिए है। उसके अलावा मैं और भी डालूंगी इसमें, तो आप देख लीजिए। और ये है गरम मसाला, ये है धनिया पाउडर, और ये नॉर्मली यूज होता है घर में मैगी मसाला। ये पात्र है सारे। मिस्टर गंदी कढ़ाई गरम हो रही है, गंदी कढ़ाई साफ है, आधी चमक रही है आधी शेड दी आई है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। सरसों का तेल पूरी बोतल उतार दी इसमें। वाओ, आप तेल, आप इसमें तेल अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं, अपना कटहल के हिसाब से। आपने कितना कटहल लिया है, आधी किलो 1 किलो। मान खान इनके डब्बे में गोल्डी मसाले सच सच, ये तो MDH का होता है गोल्डी, जो भी है देख लेना। हींग हिरन मार के हींग बना रहे, जो हमने दिखाया ये बलारी चुमा है। वाओ चमक दी फोटो, ओ वीडियो, जब प्याज का कलर ऐसा हो जाए तो हम इसमें टमाटो की प्योरी ऐड करेंगे। टमाटो की प्योरी ऐड करके हम इसको अच्छे से चला देंगे। टमाटर की प्योरी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम इसको जब तक वो करेंगे, जब तक ये मतलब जो ग्रेवी है इसका तेल ना छोड़ने लग जाए,
मतलब जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी जब अच्छे से पक जाती है तो तेल छोड़ने लग जाती है, तो जब वो तेल छोड़ने लगेगी तब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जो हमने मैगी मसाला वगैरह आपको दिखाए थे वो गरम मसाला, मैगी मसाला, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला या कोई वैसा मसाला जो आप यूज़ करते हैं घर में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। मसाले डाल दिए हमने, नमक भी डाल देते हैं, नमक टेस्ट अनुसार डाल लेना जैसा आपको अच्छा लगता हो, मतलब कुछ लोग कम भी खाते हैं कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। अब इसमें हम पानी डाल के थोड़ी सी इसको ग्रेवी को पकने देंगे, अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट, 5 मिनट नहीं मतलब 2 मिनट तो एटलीस्ट पकने देंगे। ये बॉइल्ड कटहल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो अगर आपको ये नहीं पसंद बीज तो आप इसको निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग तो खा लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नहीं खाते तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं, कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है इसको डालना ही है। ये देखिए हमारी ग्रेवी ने भी तेल मतलब छोड़ दिया है पानी डालने के बाद। अब हम इसमें अपना कटहल डालेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की थी मसालों में, वो इसलिए क्योंकि मैंने हल्दी जब मैं इसको बॉईल कर रही थी कटहल को तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी, तो अगर आप चाहें तो आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी तरह ऐसे ही भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कटहल रोटी से खाना हो तो आप इसको इतना ही थिक रहने दीजिएगा, और अगर आपको उसको चावल से खाना हो तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी को थोड़ा मतलब पकने दें ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए और आप चावल से भी खा सकें। सब्ज़ी रेडी है, ये हमारा कटहल रेडी हो गया है।